यार इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पेंडुलम क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है और उसका एनालिसिस exactly कैसे करते हैं और सारी चीज अपन इस वीडियो में सीखेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो जिससे आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस तो जैसे आपको पता होगा कि यार सिंपल पेंडुलम क्या होता है एक खिल्ली ठोकी उससे एक रस्सी लटकाई और एक बॉल लगा दिया तो अगर ये ऐसे ऐसे झूलता रहेगा तो ये कहलाता लाता है सिंपल पेंडुलम ठीक है इसमें एक बॉब होती है या बॉल होती है एक रस्सी होती है और एक खिल्ली से अपन उसको ठोक देते हैं दीवार में फिक्स कर देते हैं राइट ये सिंपल पेंडुलम है तो ये जो होता है ये ऑसिलेट कर सकता है ऐसे ऐसे परंतु अगर आप सोचो मैंने क्या किया अब खिल्ली को निकाला और ऐसे पकड़ लिया हवे में और एक रस्सी के थ्रू एक बॉल को लगा दिया और उसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ठीक है जैसे इस तरीके का एक झूला भी होता है उसमें भी आप देख सकते हो कि कोनिकल पेंडुलम ही है बेसिकली है बहुत बड़े लेवल पे तो कोनिकल पेंडुलम एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्योंकि इसमें जो बॉब है वो कॉन्स्टेंट ओमेगा से कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम सकता है तो अपन को ये चीज समझनी है जो सिंपल पेंडुलम होता है वो वर्टिकल प्लेन में मूव करता है मतलब वो ऐसे ऐसे मूव करता है राइट एक ही प्लेन में रहता है लेकिन जो कोनिकल पेंडुलम होता है ना वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है और उसका जो रस्सी है वो यहाँ पे फिक्स होता है एक पॉइंट पे तो इसका मोशन कॉनिकल पेंडुलम का मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ये अपन को समझना है और सिंपल पेंडुलम का मोशन वर्टिकल प्लेन में होता है ये अपन को समझ में आना चाहिए और अब इसमें देखते हैं अपन आगे कि किस तरीके से इसका एफ बी डी बना के अपन मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक कोनिकल पेंडुलम को यहाँ पे बनाया है जिसमें ये वाली जो रस्सी है इस रस्सी की लंबाई अपन ने एल बोल दिया जब ये पेंडुलम घूम रहा है तो वर्टिकल से इस लाइन से कुछ थीटा एंगल बना के रखा है क्योंकि वैसे घूम रहा है ठीक है तो कुछ ना कुछ एंगल ऊपर बना के रखा है इस बॉब का मास मैंने एम मान लिया है और ये जिस हॉरिजोनटल सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर सी मान लिया अब सबसे बड़ी चीज अपन को यह समझनी है कि भाई इसमें जो फोर्सेस होंगे वो कैसे कैसे लगेंगे वो सिंपली पहले अपन बना लेते हैं तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस बॉब पे जो भी एम मास का बॉब है इस पे नीचे लगेगा एम जी धरती माता का प्यार इस पे ऊपर लगेगा रस्सी का टेंशन क्योंकि रस्सी इज ऑलवेज पुलिंग टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स तो रस्सी हमेशा बॉब को अपनी तरफ खींच के रखेगी ऊपर अभी अगर ऐसे ऐसे घूम रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो आपको ये चीज समझनी है कि यार इसका जो सेंटर होने वाला है वो यहां पे होने वाला है सी आप देखो ना यहां से ये वाला पॉइंट सी यहां पे आने वाला है राइट अब हमको ये समझना है कि कंपोनेंट्स किसके करें और कैसे करके करें तो मैंने आपको एन में भी एक चीज सिखाई थी कि यार जब भी अपन को किसी फोर्स या किसी वैक्टर का कंपोनेंट करना है तो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपन करते हैं तो अब यहाँ पे आप सोचो ये जो मास है जो बॉब है वो इस सर्कल में घूम रहा है ठीक है तो इस सर्कल में इसका जो मोशन होगा इस तरफ आएगा ऐसे टेंजेंशियल से आएगा राइट और इस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी वो सेंटर की तरफ लगनी चाहिए हॉरिजॉन्टल सर्कल के अब अपन को ये समझना है हम टेंशन को भी तोड़ सकते हैं एमजी को भी तोड़ सकते हैं तो किसको तोड़े अब आप समझो टेंशन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में अगर इसको मैं दो कंपोनेंट करूं एक इधर और एक ऊपर तो मैं ये बोल पाऊंगा ऊपर वाला टेंशन का कंपोनेंट एम से बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये हॉर्जोंटल सर्कल में, में है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है राइट और टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट है सेंटर की तरफ ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सोरेशन प्रोवाइड कर देगा तो यहां पे मैं टेंशन के कंपोनेंट्स करूंगा ना कि एमजी के ठीक है तो टेंशन का कंपोनेंट करने के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं और मुझे यह पता है कि भाई यहां पे थीटा एंगल बना है तो मैं बोल सकता हूं ये 90 ये 90 माइनस थीटा तो यहां से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा तो अब अपन को पता है कि यार जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस कॉम्पोनेंट आता है तो टेंशन का यहां पर आप बना सकते हो टी कॉस थीटा और टेंशन का यहां पर आ जाएगा टी साइन थीटा तो यहां पे हमको ये चीज समझनी है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में क्योंकि ना वो ऊपर जा रहा है ना वो बॉब नीचे आ रहा है वो एक ही हॉर्जोंटल प्लेन में बना हुआ है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यार टी का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो एम को बैलेंस कर रहा होगा और टी का जो साइन कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सोडेशन प्रोवाइड कर रहा होगा तो मैं बोल सकता हूँ टी साइन थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर तो अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा बॉब है जिस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका हमको ओमेगा दिया है मान लो या वी भी दे सकता है तो वी अगर दिया हो तो आप यहाँ पे यूज कर लेना ठीक है सेंट्रीपिटल का अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं अगर मैं टी कॉस्टा इक्वल टू एम जी वाली इक्वेशन का नीचे ले लू और इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दू तो मुझे देखो एम से एम कट जाएगा टी से टी कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा ये रिलेशन ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको क्या क्या बता रहा है समझते हैं जनरली जो क्वेश्चन होते हैं है, और आर दे देगा अच्छा यहाँ पे आर का क्या खास बात है आर हमको ये वाला लेना है तो अगर मैं आर को लिखना चाहूंगा तो कायदे से हमको ये आर लिखना पड़ेगा अब एक चीज आप नोटिस करो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है और ये हाइपोटे एल है तो जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कौस कौस आता है तो ये वाला बन जाएगा अपना अपना थीटा और ये वाला बन जाएगा दे दी तो आर को आप लिख देना एल साइन थीटा। तो वापस आते हैं जो मेन मुद्दा जैसे हमको क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करना समझते हैं जनरली हमको थीटा ओमेगा और आर में खेलना है मतलब वेरिएबल्स है तो उसमें से जनरली क्या करता है ना दो वेरिएबल देगा एक पूछेगा मान लो ओमेगा दे दिया, आर दे दिया दिया बोला कितना एंगल बनाएगा बताओ मान लो आर दे दिया थीटा दे दिया बोलो कितने ओमेगा से घुमाओ कि वो मेनटेन रहे इस एंगल पे तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी जहां पे आर हमको इस सर्कल का रेडियस लेना है जिसको हम फर्दर ऐसे करके सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है इस फॉर्मूले के थ्रू तो यार इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि अगर एक वर्टिकल रॉड है जो कि घूम रही है अपनी एक्सिस पे एक वर्टिकल रॉड ऐसे से घूम रही है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से मतलब ये जो रॉड बनाई है मैंने ये अपने ही एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है और एक सिंपल पेंडुलम है ऑफ लेंथ लेल विच इज अटैच टू इट्स अपर एंड एंड वॉट इज इट्स इंक्लिनेशन विद द रॉड तो यहां पे क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमने इस रॉड जो घूम रही है इस घूमती रॉड से हमने एक सिंपल पेंडुलम यहाँ बांध दिया है और रॉड घूमेगी तो पेंडुलम भी घूमने लग जाएगा रॉड के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसने हमको बोला कि यार यहाँ का एंगल बताओ कितना होगा तो मैं इस क्वेश्चन में एंगल भी आपको निकालना सिखाऊंगा साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकाल सकते हैं दोनों बातें अपन इससे सीखेंगे तो यहां पे मैं बोलूंगा आपसे कि यार एफ बना लिया करो सबसे सिंपल और बढ़िया तरीका तो इस एम मास के बॉब पे नीचे लगेगी एम यहां लगेगी टेंशन और हमको ये करना है सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो इसका सेंटर जो है वो यहां पे आएगा ये इसका सेंटर हो जाएगा सी राइट तो अपन बोलेंगे ये एंगल भी थीटा होगा जैसे ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी यहां पे थीटा हो जाएगा राइट तो मैं वो बोलूंगा ऊपर आएगा टी कॉस थीटा राइट में आएगा टी साइन थीटा तो अब मुझे ये पता है कि टी साइन थीटा भैया सेंट्रीपिटल एक्सोडेशन देगा तो आप लगा लो एम ओमेगा स्क्वायर आर और टी कॉस थीटा जो है वो ऊपर लग रहा है और वो एम जी को तो बैलेंस को uh, तो को कोई रोल नहीं तो पड़ने वाला बिकॉज वो कट हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से हमको मिल जाएगा टेन थीटा बराबर वही एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी तो यहां से मुझे अगर एंगल चाहिए तो मैं थीटा को लिख सकता हूं टेन इनवर्स टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो गया ओमेगा स्क्वाई जी अब एक लोचा है इसमें लोचा क्या है भाई आप आर सीधा सीधा तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे यह आर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उसने हमको तो हमको एल के टर्म्स में आर को लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको एल के टर्म्स में आर को लिखना पड़ेगा वो अपन ने लिखना सीखे थे इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है ये एल है तो हम बोल सकते हैं कि एल कॉस थीटा ये होगा और ये एल साइन थीटा होगा तो आर की वैल्यू एल साइन थीटा लिख सकते हैं तो इसको यहां मिटाते हैं और स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूं एल साइन थीटा तो इस आर को यहाँ सब्सिट्यूट अगर कर दू तो टेन थीटा को आप लिख लो साइन थीटा बटे थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर की जगह लिख लो एल साइन थीटा अपॉन जी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल तो यहां से आप थीटा को लिख सकते हो कॉस इनवर्स जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर स्क्वाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि एंगल कितना होगा अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि करना कैसे है आप नोटिस करो इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हमने डिवाइड किया तो टी से टी कैंसिल हो गया एम से एम कैंसिल हो गया राइट लेकिन अगर हमसे पूछता कि सपोज टेंशन कितना होगा इस रस्सी में यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है कितना होगा तो इसके लिए आप कुछ मत करो इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ इसको भी स्क्वायर करो दोनों तरफ और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो जब आप जोड़ोगे दोनों इक्वेशंस को तो एल से एल जोड़ना आर से आर जोड़ना तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं कि एक्जेक्टली exactly क्या अपन को मिलेगा तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को स्क्वायर करू इसको स्क्वायर कर दिया इसको स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर हो जाएगा इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन अपन को मिलेगा टी स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और नीचे मिलेगा टी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा बराबर एम जी का होल स्क्वायर इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐड करूं तो यहां पे मिलेगा अपन को टी स्क्वायर अब आप नोटिस करो यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर क्या होता है ये वन बन जाता है राइट तो अपन बोल सकते हैं यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर तो बेसिकली इस टॉपिक में अपन से टेंशन पूछ सकता है एंगल पूछ सकता है ओमेगा पूछ सकता है और आर के बारे में पूछ सकता है तो मैंने आपको सारे तरीके बताए कैसे करके आप हैंडल करोगे अगर आपको एंगल ओमेगा और आर में खेलना है तो वो एक फॉर्मूला हमने निकाला जिसमें हमने सीखा था टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी तो इस एक्सप्रेशन में तीन अननोन है थीटा ओमेगा और आर तो इन तीनों में से कोई दो देगा और एक अपन से पूछता है तो इससे आप खेल लोगे आराम से कोई टेंशन नहीं है बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक से चिपक के रहो और हर बार कोशिश करना है एफ बी डी बना लो एफ बी डी बनाना सबसे आसान है आप क्या होगा कई बार फॉर्मूला भूल जाओगे लेकिन एफ बी डी बनाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कौन सा फोर्स कहाँ तोड़ना है सेंटर की तरफ तोड़ना है जो सेंटर दे और ऊपर नीचे बैलेंस करना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है तो एक और चीज अपन सीखते हैं कि सपोज अपने को ओमेगा की जगह आपकी बार बॉब का वी दे रखा है कि बॉब जो है वो वी स्पीड से कॉन्स्टेंट सर्कुलर मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा वो अपन सीखने वाले हैं तो मैं आपकी बार सेम काम करूंगा टी कॉस थीटा एम जी से बैलेंस हो जाएगा और टी साइन थीटा जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो अपन करेंगे टी साइन थीटा को लिख देंगे एम ए सी ए सी को लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर बस चेंज यही आने वाला है कि ओमेगा स्क्वायर आर की जगह अपन वी स्क्वायर बाय आर लिखने वाले सिमिलरली टी कॉस थीटा एम जी से बैलेंस हो जाएगा तो आप ऐसे करके लिख दो फिर क्या करो दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने से टी कैंसिल हो जाएगा एम कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलने वाला है टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी ठीक है तो यहां से वी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में आर जी टेन थीटा तो बस अब की बार वी का एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट आया और ओमेगा जो आया था वो अपने पास लास्ट एक्सप्रेशन में हमने देखा कैसे आया था ठीक है अब अपन सीखने वाले हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा हमने ये चीज सीखी ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं टेन थीटा वी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं और अब हम सीखने वाले हैं इसको एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कहलाता है एक चक्कर में कितना टाइम 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 लगता है दैट इज कॉल्ड द पीरियड पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन तो टाइम निकालने के लिए आप सिंपली सोचो जो अपना बॉब है वो कितना रास्ता चल रहा है तो आप बोलोगे एक चक्कर मार रहा है एक चक्कर मतलब सर्कम फ्रेंड सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल बोले तो टू पाईआर तो टू पाईआर डिस्टेंस वो चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है वी स्पीड से चल रहा है तो अगर मैं टाइम लिखूंगा तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अपन लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऐसे अब यहां पे जो वी का एक्सप्रेशन में निकाला ना इसको यहां पे पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है अगर मैं वी का एक्सप्रेशन यहाँ लगा दूँ तो अपन को मिलेगा टू पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी टेन थीटा तो यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक, एक एक्सप्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना वो ये है कि यहां पे देखो रेडियस की पावर वन है जबकि इस आर के बारे में आप सोच सकते हो इसकी पावर हाफ है क्योंकि इसके ऊपर रूट है तो ये आर की पावर हाफ इसकी पावर वन से कट के ऊपर हाफ बचेगा तो अपने पास जो टाइम पीरियड निकल के आएगा ना उसको मैं टी लिख रहा हूँ पाई अंडर रूट आर ऊपर आएगा और नीचे आएगा अंडर रूट जी टेन थीटा अभी एक्सप्रेशन थोड़ा गंदा सा तो लग रहा है बट चलो देखते हैं इस टाइप का एक्सप्रेशन का हम कैसे यूज करके क्वेश्चंस लगा सकते हैं ठीक है एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा एक्सप्रेशन काफी काम का है ठीक है वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यार क्वेश्चन को याद करने का एक्सप्रेशन को याद करने का बहुत ज्यादा कोई यूज है नहीं आप बेसिक से चिपके रहो डिराइव कर सकते हो खटाघट फोर्सेस बैलेंस करके हर बार वो फॉर्मूला याद हो मुश्किल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक से चिपके रहना भाई ठीक है इस सवाल में क्या बोल रहा है टू पार्टिकल्स टाइड टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स आर वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन तो दो पार्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सवाल में बोल रहा है अब इस वाली रस्सी का देखो L1 लिखा हुआ है इसका L2 लिखा है मतलब दोनों रस्सियां अलग अलग लंबाई की है और यहाँ पे देखो 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है और दोनों का मास जो है वो सेम है ये अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्दर बोल रहा है रेशियो ऑफ ऑफ लेंथ द स्ट्रिंग ऑफ वन टू तो दैट ऑफ स्ट्रिंग टू अच्छा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू तो दैट ऑफ स्ट्रिंग सो तो दैट दे कम्पलीट दे सर्कुलर पाथ इन इक्वल टाइम पीरियड इस सवाल में बोलना चाह रहा है इन दोनों रस्सियों का जो तो लेंथ है इनका रेशियो बताओ अगर दोनों सेम टाइम पीरियड से घूम रहे हैं। मतलब दोनों को एक चक्कर मानने में सेम टाइम लग रहा है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम कराना है अभी जस्ट जैसे हमने इक्वेशन देखा था हमारे पास टाइम पीरियड आया था टू पाई अंडर रूट अपॉन अंडर रूट जी टेन थीटा ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया था थोड़ा गंदा सा है कोई दिक्कत नहीं अगर आपको दिक्कत आएगी तो डेराइव कर लेना फटाफट कोई टेंशन नहीं अब आप नोटिस करना आर मतलब क्या ये आर और ये आर और दोनों आर डिफरेंट होंगे तो अगर सोचो ये एल है और यहाँ पे एंगल थर्टी डिग्री है तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि भाई ये एल कॉस थर्टी होगा ये एल साइन थर्टी होगा मतलब आर की वैल्यू अपन अगेन एल साइन थीटा करके लिख सकते हैं सेम यहां पे भी आप लिख सकते हो तो यहां पे अपन बोल सकते हैं ए वाले केस में जो रेडियस आने वाली है आर वन उसको आप लिख दो एल वन साइन थर्टी और बी वाले केस में जो रेडियस आने वाली है उसको आप लिख दो आर टू बराबर एल टू साइन फोर्टी फाइव

तो हमारा एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल साइन थीटा अपॉन टैन थीटा तो नीचे जो टैन थीटा बैठा है उसको अगेन आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो कोई टेंशन नहीं अब देखो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस कूद के ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सॉरी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कॉस थीटा तो ये अपने पास आ गया अब अपन सिंपली रेशियो ले सकते हैं अपन बोल सकते हैं टी वन टी टू तो बराबर है तो ये टर्म भी दोनों की बराबर होनी चाहिए तो आप बोलोगे एल वन कॉस थर्टी का रूट मस्ट बी इक्वल टू एल टू कॉस फोर्टी फाइव का रूट स्क्वायर कर लो दोनों तरफ तो यहां से मिल जाएगा एल वन कॉस थर्टी बोलो रूट थ्री बाय टू बराबर एल टू पता नहीं कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू तो यहां से आप क्या करो एल टू को लेफ्ट में कुदालो तो आपको फाइनली मिल जाएगा एल वन बाय एल टू बराबर देखो यहां पे एक और चीज आप कर सकते हो ये रूट टू से इस टू के एक रूट टू को आप कट करो क्यों टू को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू इस रूट टू से एक रूट टू उड़ा दो तो एक रूट टू बचा रह जाएगा ठीक है तो ये वाला रूट टू ऊपर चले आएगा ये रूट थ्री नीचे आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट टू बाय रूट थ्री या पूरे को रूट चढ़ा के टू बाय थ्री भी लिख सकते हो कैसे ऐसे तो फाइनली इस सवाल का हम आंसर जो देंगे वो हो जाएगा अपना बी ऑप्शन जिसमें टाइम पीरियड बराबर कराने पर एलवन बाइ एल टू अंडर रूट टू बाय थ्री आ जाएगा तो इस तरीके से टाइम पीरियड का भी आप ध्यान रखना बेसिक तो यही है भाई आप ऊपर वाली फोर्स नीचे से बैलेंस करा दो क्योंकि हॉरिजोंटल सर्कल में है और सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा उससे आप सेंट्रिपिटल uh, एक्सेलरेशन दिला दो और इसके बाद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को आप ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो और वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो इसके अलावा टाइम पीरियड निकालने का क्या जुगाड़ है कितना चला अपॉन कितनी स्पीड से चला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो उससे भी आपको मिल जाएगा मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ कि आप टाइम पीरियड को ओमेगा वाले फॉर्म से निकाल के लाना सेम एक्सप्रेशन से आएगा कुछ कुछ टाइम पीरियड को अगर आप ओमेगा के टर्म्स में सोचोगे तो हम लिख सकते हैं ओमेगा क्या होता है है कितना एंगल चला टू पाई अपॉन कितने टाइम टाइम में वो उसका पीरियड तो ओमेगा का जो एक्सप्रेशन आया आया था था क्या था? जैसे थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाय जी करके आया था यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालो उसको पुट कर दो यहां पे और यहां से टी निकाल के लाना देखना सेम सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है इस रास्ते से लाओ चाहे उस रास्ते से लाओ ठीक है तो इसी के साथ कोनिकल पेंडुलम में बस इतना है आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम मौत का कुएं के बारे में भी देखेंगे मौत का कुआ जो आपने मेले वगैरह में देखा था उसके बारे में बढ़िया तरीके से समझेंगे प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे कि क्यों जो गाड़ी है वो चिपकी रहती है मौत के कुएं में ठीक है सो इसी वीडियो को अपन यहाँ कंक्लूड करते हैं और सारे वीडियोस को आप देखो बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में टिल देन अपना ध्यान रखो बढ़िया से रहो और मेहनत करते रहो डोंट एवर गिव अप सो बाय बाय